नमस्कार लानस, मैं डॉक्टर अजी पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के सीएजीएन 120 कोर्स से आपके लिए गैसेस स्टेट का पार्ट 3 लेके आई हूँ। गैसेस स्टेट क्या होती है, गैस किसे कहते हैं, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि गैस किसे कहते हैं जिनका एक निश्चित आकार नहीं होता है, जो किसी जिस बर्तन में रखी जाती है उसी के अकॉर्डिंग अपना आकार ग्रहण कर लेती है। गैस के कुछ सिंपल पॉस्टुलेट्स थे जिसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में गैसेस स्टेट में, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए बॉयल्स ने अपना लॉ दिया था, जो गैसेस पर अप्लाइड होता है। एक्चुअल में बॉयल्स लॉ जो है गैसेस पर अप्लाई होता है। हमारे पास जो गैस पर अप्लाइड होने वाले लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और इन सब लॉज को तीन सब लॉ का मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को मिक्स करके जो एक लॉ बनता है जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बॉयल्स लॉ, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए बॉयल्स ने जो लॉ दिया था उसे हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स ने क्या कहा था, देखिए, इन 1662 रॉबर्ट ए बॉयल्स स्टडीड द बिहेवियर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स ने जो लॉ दिया था किस पर दिया था, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे एनईपी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपके लिए आपको ये लॉ एक्सप्लेन किया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के रूप में आपके सामने आपके सिलेबस में कवर किया गया है। तो ये आपका है किस पर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। हमें बेसिक चीज, बेसिक कंडीशन, इन लॉज की, लॉज तो बहुत ईजी है, बट हमें इन लॉज को समझने के लिए इनकी कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। तो हमें याद रखना है कि जब मैं लॉ को एक्सप्लेन करूंगी, लॉ को समझाऊंगी, तो आप याद रखेंगे कि इसमें कंडीशन क्या है। इसमें कंडीशन है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए, अकॉर्डिंग टू देम द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस। क्या कह रहा है फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू देम, बॉयल्स के अनुसार वॉल्यूम ऑफ ए गैस, कोई भी गैस है जिसका वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, गैस के द्वारा लगने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो भी गैस के द्वारा प्रेशर लगता है उसके वॉल्यूम उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना गया है। गैस के द्वारा लगा हुआ प्रेशर हमेशा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना गया है। ठीक, इसको हम ऐसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, जो भी गिवन मास की गैस है, गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या मतलब है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई भी गैस जिसका एक निश्चित मास है, मास चेंज नहीं हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, किसके, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें याद रखना पड़ेगा कि उसमें कंडीशन क्या है, बिना कंडीशन के हमारे पास कोई भी लॉ जो डिफाइन किया जाएगा वो हमें समझ में नहीं आ पाएगा। तो हमें याद रखना है कि व्हाट इज द कंडीशन इज दैट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमने क्या समझा, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारा टी क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर इसको मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए, मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस है क्या, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही कहा मैंने स्टेटमेंट, हमने एक्सप्लेन यही करा, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, एट ए गिवन मास ऑफ ए गैस, क्यों भी गैस, जो भी उसका, जो भी गिवन मास की गैस है उसका वॉल्यूम, एट ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वॉल्यूम उसके क्या होगा, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक, अब आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो आप कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे तो वी इज इक्वल टू के वन अपॉन पी। अब कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करा था हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट के, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट उसने दिया, हम एक नॉर्मल कॉन्स्टेंट जो हमें हमेशा यूज करते हैं वही कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, जिसे हम कहेंगे के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। के को क्या कहा जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। के क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक, ये देखो, तो अगर हम इसको कॉन्स्टेंट के रूप में अगर इसको मॉडिफाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये अगर इसको मॉडिफाइड करेंगे तो हमारा के इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अगर हम देखें तो देखिए, हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के टर्म्स में अगर रखना चाहें तो क्या बनेगा, देखिए, हमारा बन जाता है, हमारा आ गया के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, दिख रहा है आपको। तो हम इसको के के टर्म्स में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए, हमारा है, ठीक,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, के। ठीक, पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, के, जिसे हम क्या कहेंगे, बॉयज़ लॉ। देखिए पी वी इज इक्वल टू के, के इज इक्वल टू क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, के हमने क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट। सो बॉयज़ लॉ कैन बी ऑल्सो स्टेटेड एज फॉलोज। अगर इस टर्म्स में डेफिनेशन को डिफाइन करना पड़ जाए, इस टर्म में एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, क्या डेफिनेशन बनेगी, द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, मल्टीपल है प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्विवेलेंट, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस गैस इज कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। सारी कंडीशन किस पर चल रही है, सारा लॉ किस पर चल रहा है, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, टी क्या है हमारा, कांस्टेंट पर चल रहा है। ठीक, तो हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट बेसिस पर हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बनी, मॉडिफाइड लॉ क्या बना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीपल ऑफ पी एंड वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी और वी का मल्टीपल किसके इक्विवेलेंट आता है, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आता है। या द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, जो भी होगी, गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, किसके इक्विवेलेंट होगा, कांस्टेंट किस पर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो फाइनली हम क्या समझे, बॉयज़ लॉ के बारे में हम क्या समझे, कि बॉयज़ लॉ हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर चलता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग द मल्टीपल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बिकम इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल में से किसके इक्विवेलेंट आता है, कांस्टेंट के इक्वल आता है। ठीक, लेकिन ये तो तब तक था कि हमने गैस, हमने बॉयज़ के अकॉर्डिंग लॉ को हमने एक्सप्लेन करा। ठीक, अगर मान लीजिए सपोज आपका दो या दो से अधिक गैसेस प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि हमारे पास कंटेनर में एक ही गैस हो, या हम जो स्टडी कर रहे हो हमारे पास एक ही गैस हो, हमारे पास कई गैसेस प्रेजेंट है, दो गैसेस प्रेजेंट है, तो हम उस समय लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए सपोज एट ए टेम्परेचर टी, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट, तो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर एट ए टेम्परेचर टी कह रखा है तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो सपोज एट ए टेम्परेचर टी, वी वन इज द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट प्रेशर पी वन। ठीक, किसी कंटेनर में कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि कंडीशन हमारे पास है बॉयज़ लॉ के, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए प्रेशर पी वन, जो भी गैस है हमारी, गैस नंबर वन हमने क्या कर लिया, गैस नंबर वन, ठीक, गैस वन उसका प्रेशर कितना है, पी वन है, तो एट दिस टाइम इट्स वॉल्यूम बिकम वी वन, हम मान के चलेंगे उसका वॉल्यूम कितना है, वी वन है। सपोज एट ए टेम्परेचर टी, वी वन इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस गिवन मास एट ए प्रेशर पी वन, पी वन पर वॉल्यूम क्या होगा, वी वन होगा। एंड वी टू इज द वॉल्यूम ऑफ ए सेम मास ऑफ ए गैस एट ए प्रेशर पी टू, उसी गैस का सेम मास पर वॉल्यूम, अगर प्रेशर पी टू है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पी टू हो जाएगा। ये लिखता है देखिए, इज द वॉल्यूम ऑफ ए सेम मास ऑफ ए गैस एट ए प्रेशर पी टू, सेम मास की गैस का प्रेशर कितना है, पी टू है, तो एट दिस टाइम इसका वॉल्यूम क्या होगा, पी टू। तो अभी हमने प्रूव करा था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो अगर दो गैसेज प्रेजेंट होगी तो पहले गैस में पी और वी का मल्टीपल क्या होगा, पी वन वी वन, दूसरी कंडीशन पर उसका वॉल्यूम कितना होगा, पी टू वी टू, और ऑलवेज बिकम इक्वल, किसके इक्वल होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो हमारी भी इक्वेशन क्या बनी, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। अगर दो कंडीशन हमने ले रखी है कि पहली गैस, जब हमारे पास गैस कोई वन थी उसका प्रेशर पी वन था, वॉल्यूम कितना था, वी वन था, सेम वॉल्यूम पर सेम मास की गैस, वॉल्यूम आपका वी टू हो जा रहा है, तो प्रेशर कितना हो जाता है, पी टू हो जा रहा है, किसके इक्वल होगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, पी टू, पी टू जो किसके इक्वलेंट आएगा, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आएगा, जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कंडीशन क्या है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो हमारा फाइनली डिसीजन ये निकला कि हमारे पास ये लॉ किसके मल्टीपल के इक्विवेलेंट होता है, पी वन वी वन का मल्टीपल, पी टू वी टू का मल्टीपल, पी थ्री वी थ्री का मल्टीपल, पी फोर वी फोर का मल्टीपल, एस ऑल शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसके इक्विवेलेंट आते हैं, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आ जाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमें P और V के रिस्पेक्ट में कोई ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए, अब ग्राफ का लॉजिक क्या है, देखिए आप NEP फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है और NEP स्टार्टिंग में भी लागू हुई है, बच्चों को समझ में नहीं आ पाता किस तरह से मैनेज करें, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ भी एक्सप्लेन करा है। देखिए किसी को भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है, तो हमने हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो लॉ है, हमारा लॉ है क्या है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर वी है। ठीक है, हम इसको मॉडिफाइड करते हैं, यानी कि इसको ड्राइव करते हैं, तो हमारा पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, के। तो हमने दो ग्राफ एक्सप्लेन करे हैं, पहला पी और बी के रिस्पेक्ट में, पी और वी के, हमारा पहला ग्राफ है किसके रिस्पेक्ट में, पी और बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस लॉ को, इस जो मॉडिफाइड करके इक्वेशन आई वो इसको लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कैसे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पी और बी का मल्टीपल किसके इक्विवेलेंट आता है, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आता है, पी और बी का मल्टीपल क्या आता है, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आता है, यानी कि पी बढ़ेगा तो बी, या इसको लेके चलेंगे, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर पी बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो पी घटेगा, यही तो इंडिकेट कर रहा है। हमारे पास दो ग्राफ दिखा रहे हैं मैंने,
पहला पहला दिखा रहा है कि हमारा मेन जो बॉयज लॉ है वो ये है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर पी, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमने दो ग्राफ दिखा रहे हैं, पहला ग्राफ किसका है, ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट वी, पी और वी के रिस्पेक्ट में, दूसरा ग्राफ है पी अगेंस्ट 1 ओवर वी, किसके रिस्पेक्ट में, 1 ओवर वी के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो पहले ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करें तो आप ध्यान से समझिए, अगर ये लेके चलिए दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज जीरो, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर के रिस्पेक्ट में और ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये अगर ये जीरो है तो दिस इज क्या, वन, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, यानी कि किसी का वॉल्यूम फाइव है, और ऐसी प्रेशर इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, ठीक, दिस इज फाइव, हमने इस तरह से मान लीजिए, सपोज करा, इमेजिन कर, सारी चीज इमेजिन करी गई है, हम बस आपको ये बताना चाहिए कि ग्राफ इस तरह से कैसे बनाओ, ये ग्राफ इस तरह से कैसे बनाओ, ठीक। तो हमने इमेजिनेशन लिया, तो हमारा क्या है, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये दिख रहा है प्रेशर क्या है, ये फाइव से नीचे की तरफ को दिख रहा है, ये फाइव का ये कंडीशन हमने फाइव मानी है, तो ये फाइव से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ को डिक्रीज हो रहा है ना, फाइव से नीचे 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 की तरफ। तो अगर ये प्रेशर ये है, ये आपका प्रेशर ये है, ठीक, प्रेशर आपका ये है और आपका ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, तो इनिशियल प्रेशर ये आपका फाइव था, तो ये आपका वॉल्यूम कितना है, आपका वन दिख रहा है, सो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है वन आपका, ठीक। अब आपका प्रेशर आपका कितना हो गया, मान लीजिए फोर हो गया, वॉल्यूम आपका कितना दिख रहा है, यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि सपोज मान लीजिए किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये आपका चलेंगे हमारा, ये पॉइंट हमारा हो गया आपका टू के इक्विवेलेंट, ठीक, ये ग्राफ इस तरह से आ गया। अब हमारा प्रेशर थ्री हो गया, ये हमारा प्रेशर थ्री है, तो वॉल्यूम भी कितना हो गया आपका, थ्री हो गया, हमारा ग्राफ यहाँ पर पहुंच गया, तीन पॉइंट आ गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये दिस इज द थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट आ गए। अब हमारा प्रेशर कितना हो गया आपका, टू हो गया, ये रहा प्रेशर टू, तो हमारा वॉल्यूम कितना दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हमने मान लिया प्रेशर, ये प्रेशर टू है, हमारा वॉल्यूम आ गया यहाँ पर फोर, ठीक हो गया ये आपका, ठीक है। अब आपका ये प्रेशर कितना हो गया आपका, वन हो गया, और वॉल्यूम कितना दिख रहा है, फाइव हो गया, ठीक। मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फाइव पॉइंट है, क्या इंडिकेट हुआ, क्या इंडिकेट हुआ कि प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू रेगुलरली डिक्रीज हुई, तो वैल्यू की वैल्यू रेगुलरली क्या है, इंक्रीज हुई, ठीक, यानी कि प्री इंक्रीज होगा, वी का होगा डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली का मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कंडीशन यू नो दैट पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने यहाँ प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, देख रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम की वैल्यू वन सिक्सटी होगी, टू होगी, प्रेशर फोर पे पहुंचा, वॉल्यूम वैल्यू टू पे पहुंची, थ्री हुआ, वॉल्यूम वैल्यू नीचे हुई, और हमारा ग्राफ इस तरह से इंडिकेट हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ अगेंस्ट पी इन्वर्सली, पी अगेंस्ट वॉल्यूम वी, पी का किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दूसरा ग्राफ अगर हम लेके चलेंगे, अगर हमें समझ, हमें आपको बस ये समझाना है कि आखिर ये ग्राफ इस तरह से बन किस तरह से रहे, कि ये ग्राफ इस तरह से डाउन इस तरह से आया। दूसरा ग्राफ है प्रेशर और वन ओवर वी के बीच में, पी और वन ओवर वी के बीच में ग्राफ वही है, देखिए पी और वन ओवर वी के बीच में, अब ये वी नहीं है, दिस इज नॉट ए वी, ये क्या है ले रखा है उसने, हमने जो दूसरा ग्राफ ले रखा है वन ओवर वी के रिस्पेक्ट में, ठीक, वन ओवर वी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बना, हमारी जो कंडीशन बनी क्या बनी, हमारी कंडीशन हमारी ये बनी, इस समय ग्राफ को लेके चलेंगे तो हमारी आई p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर वी, हमारे जो ग्राफ है p और वन ओवर वी के बीच में, p और वन ओवर वी के बीच में, ये p हो गया, ये वन ओवर वी, p की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, वन ओवर p की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना है, p की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, वन ओवर v की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखिए p की वैल्यू वन है तो वन ओवर v की वैल्यू भी क्या होगी, वन होगी, p की वैल्यू टू है, वन ओवर v की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी, p की वैल्यू थ्री है, वन ओवर v की वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी, p की वैल्यू फोर है, वन ओवर v की वैल्यू क्या होगी, फोर होगी, p की वैल्यू फाइव है, वन ओवर v की वैल्यू कितनी होगी, फाइव होगी, और हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। आपको क्या दिखा, आपने देखा ये ग्राफ क्या हो रहा है, दिस ग्राफ इज शोन ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या दिख रहा है, दिस ग्राफ शोन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास पी और वी और वी पी वन ओवर वी को ड्राइव करने के लिए दो तरह से ड्राइव करने के लिए, कि पहली कंडीशन हम लेके चले नॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन ओवर वी, तो पी की वैल्यू इंक्रीज होगी, वी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा ग्राफ जो बनाया है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर वी के बीच में बनाया है, तो हमारे कह रहा है पी के रिस्पेक्ट में वन ओवर वी की वैल्यू क्या हो रही है, डायरेक्टली उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हम दो प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं ग्राफ का, किसके बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग, कि हम किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे कि बॉयज लॉ दो तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होता है, होता वही है, प्रेजेंटेड करने का प्रोसीजर अलग है, कि हम कहेंगे v इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर v, या हम कहते हैं p v, या हम कहते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर p, बात वही है, प्रेजेंटेड करने की बात है कि हमने इसके बेसिस पे कितने ग्राफ ड्रॉ कर दिए, दो ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ये दोनों ग्राफ पर बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट जो है आपका जो पार्ट आपका फोर्थ होगा बॉयज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करें कि आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।